इस प्रयोग के उद्देश्य होप के उपकरण का आधार लेकर पानी की असंगत आचरण के बारे में अध्ययन करना है। इसके लिए हमें होप का उपकरण, बर्फ, नमक, थर्मामीटर और बीकर की आवश्यकता है। थॉमस चार्ल्स होप 1767 से 1844 एडनबर्ग में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने यह उपकरण तैयार किया जिसकी सहायता से पानी के असंगत आचरण के बारे में अध्ययन किया गया। पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक व्यवस्थित रूप में रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी की घनता सबसे ज्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाते समय पानी की घनता पुनः कम कम होती जाती है। इसे ही पानी की असंगत आचरण कहते हैं। इसके प्रयोग के लिए हमने 2 थर्मामीटर लिए और होप का उपकरण भी लिया। होप के उपकरण में 2 सिलेंडर अर्थात बेलन सदृश आकार के बर्तन होते हैं। एक सिलेंडर दूसरे में समा सके इस प्रकार के होते हैं। ऊपरी ओर एक और नीचे की ओर एक, ऐसे 2 थर्मामीटर लगाए जाते हैं। बाहर के सिलेंडर में बर्फ और अंदर वाले सिलेंडर में पानी डाला जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि नीचे वाले भाग का तापमान धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होने लगता है और फिर ऊपर वाले हिस्से का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है, लेकिन अधिक घनता होने के कारण नीचे वाले भाग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, पर ऊपर वाले भाग का तापमान 4 डिग्री से 0 डिग्री तक तेजी से कम होते हुए दिखाई देता है और तापमान 0 डिग्री तक पहुंचने के बाद ऊपरी सतह पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वैसे ही बना रहता है। यही कारण है कि जहां तालाब के ऊपरी सतह पर हम बर्फ जमी हुई देखते हैं, उसके नीचे सजीव सृष्टि जीती जागती नजर आती है।